शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी संगत जी एंड इट्स सच ए ब्लेस्ड डे फॉर मी टुडे जब आंटी ने बोला कि आप सत्संग करोगे मैंने कहा व्हाई नॉट श्योर सो गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया यही एक बहुत बड़ा सत्संग है बिना उसके बुलाए तो हम आ नहीं सकते बहुत बार ट्राई करते हैं आने के लिए लेकिन ऑलवेज कुछ ना कुछ हो जाता है तो नहीं आ पाते तो मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ इन 2021 फर्स्ट टाइम हम गुरुजी के दरबार में आए थे वो था गुरु पूर्णिमा का दिन मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ साईं बाबा के टेंपल गए थे माथा टेकने वहाँ कुछ और भी हमारे फ्रेंड्स मिल गए जिन्होंने हमें बताया कि ऐसे एक जर्सी में गुरुजी का मंदिर है वहाँ पे लाइक लोगों को बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है सब कस्तूर होते हैं उनके कि बस वहाँ पे सिर्फ जाते हैं दरबार में माथा टेकना है सत्संग सुनना है और बस लंगर प्रसाद लेना है उसी में सारी ब्लेसिंग होती है तो मैंने सोचा व्हाई नॉट दैट्स वेरी इजी लेट्स गो राइट नाउ वहाँ पे साईं बाबा जी के दरबार में माथा टेका प्रसाद लिया वहाँ से तो हम सीधा मंदिर से हम इधर 2021 की गुरु पूर्णिमा के दिन फर्स्ट जब आए माथा टेकने तो आके माथा टेका सत्संग सुना बहुत अच्छा लगा तो उसमें लाइक ऑल परफॉर्मेंसेज हो रहे हैं डांसिंग एंड रियली नाइस लंगर प्रसाद ऑल लाइक मटर पनीर एंड खुलचा एवरीथिंग आई से वाह वी वर हंग्री सच ए नाइस लंगर प्रसाद वी गॉट टुडे वी ब्लेस्ड विद दैट एंड देन कुछ दिनों के बाद देन हमने रेगुलर सुनना स्टार्ट किया आ नहीं पाते थे दरबार में बट हमने ऑनलाइन हम यूट्यूब पे जो सत्संग होता था वो सुनने लग गए लाइक ट्वाइस ए वीक जैसे मंडेज और थर्सडेज को आता था तो हम उससे पहले सब काम ख़त्म करके बैठ जाते थे कि ओके अभी सत्संग शुरू होने वाला है गुरुजी का तो हम वो सुनेंगे सब बैठ के फिर ऐसे सुनते सुनते एक दिन लाइक मेरे बैक में ना बहुत पेन रहती है इस क्रॉनिक पेन काफ़ी सालों से है और मेरे को जैसे कि फीवर रहता था हमेशा बॉडी गर्म रहती थी मुझे नहीं पता चलता था कि क्यों हो रहा है क्यों मेरी बॉडी इतनी गर्म रहती है जब भी मैं चेक करती थी तो कोई मुझे फीवर नहीं होता था पर बॉडी मेरी एकदम गर्म रहती थी जैसे कि 100 टेम्परेचर मोर देन 100 ऐसे लगता था मेरे को तो मैं गुरुजी से प्रे करती थी मैं गुरुजी आप सबको ठीक करते हो मेरे को आप कब ठीक करोगे तो ऐसे ही प्रे करते करते कोई गुरुजी का सत्संग सुनते सुनते सो जाती थी मैं तो गुरुजी ने फिर एक दिन मेरे ड्रीम में आए और मैंने गुरुजी को एकदम देखा उठ के कि मैंने गुरुजी आप जैसे ही मैंने ऐसे एकदम टच किया देखा कि गुरुजी आपको तो बहुत तेज़ बुखार है मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ अभी गुरुजी कुछ नहीं बोले पूरा टाइम मेरे साथ मैं ही बात कर रही हूँ पूरा टाइम तो मैं गुरुजी को डॉक्टर के पास लेके गई पर मेरे को वहाँ जाके वो डॉक्टर का ऑफिस और स्टाफ मेरे को कोई अच्छा नहीं लगा मैंने गुरुजी ये जगह आपके लिए अच्छी नहीं है मैं आपको अच्छी वाली जगह पे लेके चलती हूँ जो अच्छा डॉक्टर होगा वहीं पे मैं आपको चेक कराऊंगी फिर मैं दूसरे ऑफिस ले गई डॉक्टर के वहाँ भी नहीं अच्छा लगा मेरे को फिर मैं तीसरी जगह पे लेके गई गुरुजी को आई डोंट नो व्हाट वाज दैट प्लान दैट वाज ऑल वाज हैपनिंग इन माय ड्रीम तो ले गई फिर इतनी देर में बस गुरुजी मेरी आंखों के सामने से डिसअपीयर हो गए मुझे नहीं पता चला बाद में क्या हुआ मैं उठ गई फिर मैंने देखा कि उसके बाद से मेरी तो काफ़ी ज़्यादा बेटर मेरे को बॉडी भी गर्म नहीं है जो इतना मैं रात को सोई थी बुखार में और सुबह तो मैं बिल्कुल ठीक थी फिर ऐसे एक बार और सत्संग है दरबार में आए गुरुजी के तो बैठे बैठे पूरा टाइम मेरी आंखों में से बस ऐसे पानी चल रहा था बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता कि मैं रो रही थी जैसे कुछ रिलीज हो रहा था व्हाट हैपेंड जस्ट ओनली मुझे इतना पता कि मेरी आंखों से पूरा टाइम पानी जा रहा था और मेरे पास ही एक संगत हैं ताज आंटी आप सब जानते होंगे उनको वो भी बैठे हुए थे मेरे पास में ही
तो मैं सोच रही हूँ मन में कि मैं किसी को बोलूँगी कि मेरे को गुरुजी से लोटा ब्लेस करा के दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इतनी देर में सत्संग ख़त्म हुआ, मैंने ताज आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी आप मेरे को हेल्प कर सकते हो मेरे को लोटा ब्लेस करवाने के लिए। कहते वो तो हो गया। मैंने कहा अच्छा, मेरे को नहीं पता चला वो कब गई, कब उन्होंने ब्लेस करवाया और कब लेके आ गई, एंड आई डिड नॉट नो दैट एट ऑल। तो आई मीन बहुत सत्संग है, पर सबसे बड़ा सत्संग तो यही है कि गुरुजी के दरबार में गुरुजी ने बुलाया, और मुझे लगता है कि मैं 2021 में फर्स्ट टाइम आई हूँ, बट आई डोंट नो गुरुजी ने कब से अपने साथ जोड़ा है, दैट गुरुजी नो ओनली। सो आई थिंक दैट्स इट, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड जो गुरु परिवार मिला है, गुरु जी की संगत मिली है, इट्स ए लाइक बिग ब्लेसिंग फॉर मी। थैंक यू संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा।